चारों तरफ ना भाई स्नो स्नो पड़ा हुआ है, तुम लोग यहाँ पे देखो भाई कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। तो चारों तरफ यार इतना ज्यादा बर्फ पड़ा है कि यार गाड़ी चलाने में भी ना बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। पर आज हम लोग ऐसी भाई बर्फ के अंदर फुल ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, वो भी अपने स्टेयरिंग व्हील के साथ। तो भाई बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी मैं आप लोग को अपनी गाड़ी तो दिखा दूं कि यार कौन सी गाड़ी चलाने वाले हैं। तो मैंने अभी अभी सीमियों से यार गाड़ी मंगाई थी और गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो फटाफट से मैं आप लोग को गाड़ी दिखाता हूँ। तो गाइस तुम लोग यहाँ देख सकते हो, ये रही अपनी आज की गाड़ी जो आज अपन लोग चलाने वाले हैं, वो भी स्नो में। क्योंकि यार देखो इतना ज्यादा बर्फ है, इतना ज्यादा स्नो गिर रहा है कि नॉर्मल गाड़ी अगर मैं चलाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा स्लिप होंगी, इसीलिए मैंने फुल ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी मंगाई है। एंड इसके ऊपर भी देखो स्नो गिर रही है और भाई इसके टायर देख रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया टायर है। तो आज हम लोग स्टीयरिंग व्हील से इस गाड़ी को चलाने वाले हैं भाई, बहुत मजा आने वाला है और आज अपन लोग काफी तगड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे। पर उससे पहले मेरे को कपड़े चेंज करके आने हैं, एक काम करता हूँ फटाफट से ऊपर चलते हैं, आगे से हट जा यार की मेड बिना मतलब कहीं पे भी आ जाती है। तो सबसे पहले मुझे भाई कपड़े चेंज करने हैं, मेरे को ना कुछ जैकेट वैकेट पहननी पड़ेगी क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। ओके ये सही रहेगा, मैंने ग्लव्स वगैरह सब पहन रखे हैं तो ये वाले कपड़े एकदम ठीक है, इससे क्या होगा माइकल को ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। और भाई बहुत ज्यादा ठंड हो रही है भाई, सबकी हालत खराब हो चुकी है, चारों तरफ बहुत ज्यादा बर्फ है, माइकल की पूरी फैमिली घर में ही है। मैंने इन लोगों से पूछा था क्या मेरे साथ कोई घूमने चलेगा, तो इन लोगों ने भाई साफ साफ मना कर दिया है, ये लोग बाहर जाने को तैयार नहीं है। नहीं तो मैं माइकल की पूरी फैमिली को ले जाने वाला था, पर कोई दिक्कत यार जाने से पहले भाई एक मतलब ड्रिंक करके जाते हैं माइकल को ताकि ठंड वंड ना लगे। अबे भाई क्या चक्कर हो गया माइकल, ओके बहुत सही। तो एक छोटा सा बैग लगा के माइकल जाएगा, वैसे माइकल का रेगुलर का ये वाला काम है, पर आज बार बहुत ज्यादा ठंड है तो भाई ठीक है माइकल पी ले, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे पता गलत चीज है पर माइकल के लिए नॉर्मल है भाई, चलता है माइकल के लिए। ओके बहुत ज्यादा नहीं भाई, स्टॉप करो, एक ही बहुत है, नहीं तो भाई ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए, एक ही बहुत है। अभी निकलते हैं अपन लोग, निकालते हैं भाई अपनी गाड़ी जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी है भाई, क्या बढ़िया लग रही है। बाकी वेदर ना और ज्यादा खराब हो रहा है और भाई ऐसे वेदर में भी देखो वहां जाके प्लेन उड़ रहे ऊपर, तो वेदर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। मुझे लगता है सिटी में और ज्यादा स्नो पड़ने वाली है। और आज मैंने अपना मीटर भी चेंज कर दिया, तुम लोग देख रहे हो आज मीटर थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ओके आराम से बैक करके निकालेंगे, गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया है, ओके कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलाना पड़ेगा क्योंकि देखो गाड़ी ना देखो स्लिप हो रही है, अभी से ही गाड़ी स्लिप हो रही है भाई, कैसे चलेगी भाई पहाड़ों पे पता नहीं, इतनी ज़्यादा तो ये अभी यहीं से स्लिप हो रही है घर के अंदर ही, बर्फ भी ना कुछ ज़्यादा ही पड़ा हुआ है। ओके आराम से फुल बैक बैक करके आराम से लेकर जाएंगे अपन लोग, आराम से बैक करो इसको भाई, कितना ज़्यादा बर्फ है यहीं पे, यही टायर ढंग से काम नहीं कर रहे इसके। ओके एक सेकंड रिवर्स क्यों कर रही है भाई, मैंने को बाहर निकाल, ओके ओके हो गया निकल गई। बहुत सही, अभी तुम लोग देखो दूर दूर तक ना तुम्हें सड़क नजर आएगी और ना भाई मतलब घास नजर आ रही है, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ पड़ा है और कहीं कहीं तो इतना ज्यादा पड़ा है ना कि ठीक से भाई चला भी नहीं जाएगा और वेदर भी ना बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे बहुत ज्यादा आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी देखो बहुत ज्यादा स्लिप होगी। और इतना ज्यादा स्नो पड़ गया है कि सिटी में ट्रैफिक नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब सारे लोग ना अपने घरों में बैठ गए हैं जाके क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, पर अपना माइकल भाई घर में बैठने वालों में से नहीं है भाई, फुल एंजॉय करेंगे अपन लोग स्नो में। तो फटाफट से चलते हैं भाई, ओके हाईवे की तरफ देखते हैं वहाँ कितना बर्फ पड़ा है, और भाई जो वुडन फैक्ट्री है ना उस साइड में तो गाड़ी चलाने में बहुत मजा आएगा। और यहाँ देखो मैंने गाड़ी भाई 150-170 भगा दी है, ओके ब्रेक लगा के चलाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा तेज चलाते ही ना गाड़ी स्लिप हो रही है, पर बहुत मजा आ रहा है गाइस स्नो में चलाने में यार, अलग ही मजा है। ओके एक बार फर्स्ट पर्सन में देखते हैं कैसा लग रहा है, ओ भाई यहाँ से तो काफी डिफिकल्ट हो रहा है इस गाड़ी को चलाने में भाई, पुल बिल्कुल ऑफ रोडिंग के लिए बनी है ये गाड़ी, अबे अबे ठोकना ओकना नहीं, आराम से भाई आराम से एकदम। तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी को यार हाईवे पे लेकर आ चुके हैं एंड यहाँ पे आके मेरे को कुछ और भी गाड़ियां नजर आ रही है, पर तुम लोग साइड में यार ये पहाड़ देखो भाई, पहाड़ ना पता ही नहीं चल रहे भाई, चारों तरफ इतना ज्यादा बर्फ गिरा हुआ है ना,
कि सारी गाड़ियां बहुत ज्यादा स्लिप हो रही है और पीछे तो कुछ एक्सीडेंट भी हो रखे थे, मतलब भाई बस वालों ने ना ठोक रखा है लोगों को, तो मुझे बहुत ज्यादा आराम से चलाना है। इस वाले मीटर में ना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि कितना चल रही है, पर नॉर्मल 100 तक तो चल ही रही है। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, थोड़ा साइड कर लो अगर नहीं चला पा रहे। एक मिनट भाई, हॉर्न वॉर्न देना पड़ेगा मेरे को और इंडिकेटर देकर मोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा आज भाई, इंडिकेटर के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और बहुत ज़्यादा बर्फ है भाई पहाड़ में, तो मज़ा ही आ जाएगा चढ़ाने में, तो फटाफट से पहाड़ों की तरफ लेकर चलते हो। और भाई जैसे ही मैं स्पीड 100 से ऊपर कर रहा हूँ ना, गाड़ी स्लिप होना स्टार्ट हो जा रही है। पर मैं सोच रहा था ना वैसे यहाँ पे रेंज रोवर लाने के लिए, बट रेंज रोवर ना कुछ ज़्यादा ही स्लिप होती है और ये ना फुली मॉडिफाई गाड़ी है, मतलब टायर वायर देख रहे हो इसके भाई, ज़बरदस्त फुल ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है, इसीलिए मैंने सीनों से ये वाली गाड़ी मंगाई। बाकी मॉन्स्टर ट्रक को चढ़ाने में भी मज़ा आता, पर इसे चढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके अभी तक एकदम बढ़िया चल रही है भाई 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 भाई, भाई किसी को डूबना नहीं है। तो अभी हम लोग वुडन फैक्ट्री की तरफ पहुंचने वाले हो और गाइस सामने का एक बार नज़ारा देखो तुम, एक बार यार उतर के देखना तो बनता ही है। पहले काम करते हैं गाड़ी को ना साइड में लगाते हैं एंड यहाँ से उतर के देखो तुम भाई, चारों तरफ क्या बर्फ गिरा हुआ है, जो पेड़ है ना उसके ऊपर भी स्नो गिरा हुआ है भाई, पेड़ भी ना पता नहीं लग रहा है। एंड इस साइड में ना रोड तो मेरे को दिख ही नहीं रहा, ये देखो माइकल के चलने की वजह से भी देखो स्नो उड़ रही है ऊपर, ये देखो भाई क्या तगड़ा सीन है भाई, बहुत ही तगड़ा सीन। तो अभी अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं भाई, गाड़ी में ना अभी तक कोई खराबी नहीं आई है, आराम से चढ़ रही है। माउंटशील यार्ड में नहीं जाएंगे हम लोग, माउंटशील यार्ड के अलावा भी ना बहुत ज़्यादा पहाड़ है। तो फटाफट अब यार न्यूट्रल में हो गई, पहले गियर में डालो, आराम से लेकर चलो। वो देखो भाई और भी बहुत सारे लोग हैं, देखो टूरिस्ट वगैरह जो आ रहे हैं स्नो का भाई मज़ा लेने। और एक सेकंड भाई साइड में जाओ, और इन लोगों को ठंड भी नहीं लग रही भाई, नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे हैं। पर माइकल की हालत ख़राब है भाई ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है भाई। यहाँ देखो गाड़ी ना चढ़ने में अब थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा स्नो है। आराम से भाई स्लिप ना हो जाए, स्लिप हो गई ना पीछे अरे भाई 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 भाई, यहाँ देखो कितने सारे टूरिस्ट है भाई, बहुत सारे लोग आ रहे हैं आजकल। ओके तो पहले मैं ऊपर लेकर जाने वाला हूँ, बहुत सारे रास्ते हैं भाई ऑफ रोडिंग करने के। एक सेकंड भाई, ठोकना नहीं है किसी को, एक सेकंड आराम से भाई। रोड पता भी नहीं चल रहा, ये रास्ता है क्या है भाई, कुछ पता नहीं चल रहा, देखो कुछ पता नहीं चल रहा भाई, रास्ता कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चढ़ जा भाई, अब गाड़ी को थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है। और यहाँ देखो जंगली सुअर देखो सामने यहाँ पे, और हिरन वगैरह भी, और सामने से ये कौन आ रहा है। ओके ये फॉरेस्ट वही रेंजर वाले जो होते हैं ना पुलिस वाले, वो है लोग जो जानवरों की देखभाल करते हैं, वो लोग भाई देख लो इतने बर्फ में घूम रहे हैं जानवरों के लिए। कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग तो मस्ती करने आए हैं यहाँ पे भाई। ओके इस टनल से मैं उस साइड चला जाऊँगा, काम करते हैं उस साइड ही चलते हैं, फटाफट से भगाते हैं टनल के उधर भाई। टनल में तो अपन लोग आराम से भगाएंगे, आराम से, अब तो हाथ सेट है अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ब्रेक लगाने पड़ेंगे क्योंकि टनल के उस साइड बर्फ ही बर्फ होगा। देखो भाई आज तुम लोग सैंडी शॉर्ट्स में देखो यार, सैंडी शॉर्ट्स में हमेशा तुम्हें बस रेत ही रेत नजर आती होगी, बट अरे अरे ये साइकिलिंग कहाँ कर रहे हैं भाई, साइकिलिंग करने की जगह है क्या ये, देख रहे हो पूरा सैंडी शॉर्ट्स, देखो यहाँ से पूरे सैंडी शॉर्ट्स में भाई ऐसा शिमला मनाली वाला बर्फ पड़ा हुआ है भाई। आराम से, मुझे लगता है कि यार बर्फ में ना और भी गाड़ियाँ टेस्ट करनी चाहिए, कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ लेकर आऊँ मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। भाई गाड़ी ना एकदम बढ़िया चल रही है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में, कोई भी दिक्कत, बैक यहाँ से लेकर जाएंगे, तगड़ी ऑफ रोडिंग करानी है इससे। ओके एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रही है, और गाड़ी में फ्यूल भी पूरा ही है भाई। इस गाड़ी को ना भगाने में अलग ही मजा आ रहा है, लेक फ्रीज तो नहीं हो गई ना, फ्रीज नहीं हुई है, मेरे को लगा कि पानी फ्रीज हो गया हो पूरा। यहाँ से नीचे भी रास्ता है क्या, कोई है तो कोई रास्ता यार, क्यों ना यहाँ चला जाए, मैं यहाँ नहीं गया एक बार भी, ये कौन सा रास्ता है, अभी लोग जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे भी। अबे हटे जा भाई, देख रहा आगे से नहीं हट रहा भाई, दबाना नहीं चाह रहा मैं से ठंड में। अबे साइड दे दे भाई मेरे को थोड़ा सा, चलो निकाल दूंगा मैं भाई। कैसे कैसे लोग हैं, मतलब खड़े होके देख रहा है,
साइड नहीं हट रहा, वो तो मैंने ब्रेक लगा। अबे यार एक और बंदा है, अब इसको भी हॉर्न देना पड़ेगा। अच्छा साइड, अबे देख मत मेरे को, दबा दूंगा के निकल जाऊंगा। भाई कितने लोग हैं, वो कहाँ जा रहे हैं लोग? वो देखो एक और नजर आ रहा है मेरे को, यहाँ गाड़ी चढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ये लोग ऐसे में भाई घूम, एक और है उसके ऊपर। भाई कहाँ से निकाला मैं वो, देखो। ओके ओके ओके, माउंटेन लायन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ओ थ्री, वो देखो भाई सामने सामने माउंटेन लायन ने उसे मार दिया। वो देख खुद भी मर गया भाई, खुद भी मर गया माउंटेन लायन। एक सेकेंड, इसको तो मारना पड़ेगा भाई, लोगों को मार रहा है। ये टूरिस्ट को मार रहा है, इसको तो मारना पड़ेगा भाई। वो देखो सारे लोग भाग गए, डेड बॉडी पता नहीं कहाँ गई इसकी। यहाँ भी किसी को मारा था उसने भाई। ये लोग कहीं पे भी, मतलब देखो कहीं पे भी ट्रैकिंग करने आते हैं, और जब से स्नो गिरना स्टार्ट हुआ है ना, ये लोग कहीं भी जा रहे हैं। वो तो अच्छा है कि मैंने देख लिया, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को मारता। वो देखो कितने लोगों का शिकार करता। अरे 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 अरे, आराम से आराम से आराम से, रोड कितना पतला है भाई यहाँ तो। अबे अबे भाई चल फोटो खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फोटो खींच जल्दी आगे सेट। भाई दबा दूंगा आगे सेट, भाग बहुत सही, हट जा निकल ले यहाँ से निकल ले। अबे भाई मुझे निकलने दे आराम से, रेस लगा रहा है गाड़ी से भाई, मुझे नहीं निकलने दे रहा यार। रास्ता है भी या नहीं है आगे, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर गाड़ी थोड़ी भी इधर उधर हुई ना इस रोड पे ना, मैं पहले गाड़ी कभी लेकर नहीं आया, मेरे को ऐसा लग रहा है। अबे यार ये खरगोश भी कहाँ आ रहे हो बीच में भाई, मुझे लगता है ना मैं तो लेकर नहीं आया इस रोड पे गाइस। सही में ये रोड कुछ ज़्यादा डेंजर है। हेलीकॉप्टर की आवाज़, एक सेकेंड, ये हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ओके मुझे लगता है कुछ टूरिस्ट वगैरह लोग होंगे। वो देखो फॉरेस्ट रेंजर वहाँ घूम रहे हैं ना, ये टूरिस्ट को बचाते हैं। जितने भी ट्रैकिंग वगैरह करने लोग आए ना, उन्हें माउंटेन लायन से बचाते हैं लोग, उनका वही काम है। और मैंने भी आज वही काम कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, अपने को हेलीकॉप्टर में नहीं घूमना है भाई, अपन लोग घूम रहे हैं अपनी फुल ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी में, जो कि इससे भी बढ़िया है। ढलान पे खड़ी थी इसलिए हल्का सा बैक हो गई, पर कोई दिक्कत नहीं है। स्लिप नहीं होने का, स्लिप नहीं होने का। भाई कितने लोग मिल रहे हैं रास्ते में यार, यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। इस वाले ट्रैक पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, पता है क्यों आ रहे हैं ज़्यादा? क्योंकि इस वाले ट्रैक पे ना गाड़ियाँ नहीं लाता कोई, मुझे लगता है सिर्फ साइकिलिंग या बाइक वगैरह लाते होंगे। पर मैं ना पूरी गाड़ी लेकर ही आ चुका हूँ, कितना लंबा ट्रैक है मेरे को नहीं पता, पर है बढ़िया ये। ये देखो एक और भाई, इस जगह तो ना ब्रेक लगा लगा के चलाने पड़ेंगे। और ये देखो खरगोश, देखो सबसे ज़्यादा तो मेरे को ये परेशान कर रही है। देखो कहीं से भी रोड क्रॉस कर रहे हैं यार, मैंने दबाना नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो दब दबा जाएंगे। कितना ऊपर जाना है भाई, कितना ऊपर है? अबे गलती से अगर रेस दे दी ना, बिना रेस दे चला रहा हूँ मैं गाड़ी, एकदम बिना रेस दी, हल्की सी रेस दे रहा हूँ, क्योंकि ढलान वाला रास्ता ये देखो। यहाँ मेरे तरह और भी लोग आए होंगे भाई, देख रहे हो गाड़ी लेकर उनकी हालत देखो क्या हुई है, गाड़ियों की हालत देख रहे हो, यहाँ ऐसी होती है इस रोड पे गाड़ी चलाने की हालत। पर माइकल के साथ ऐसा नहीं होगा, अपन लोग हैं भाई फुल हैवी ड्राइवर, अपने साथ ऐसा नहीं होने वाला, अपन लोग आराम से निकालेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि यार मैं नीचे आ चुका हूँ पहाड़ से एकदम। और ये देखो यहाँ पे एक और माउंटेन लायन घूम रहा है, जिसको जिंदा छोड़कर मेरे को लगता है ठीक नहीं रहेगा, इसे मारना ही पड़ेगा। और इसे अपन लोग गाड़ी से दबा के मार देते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ा ना तो पता नहीं कितनों को मारेगा। बाकी भाई स्नो गिरना स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अभी मेरे को घर की तरफ निकलना चाहिए। और एक सेकंड, यहाँ क्या चल रहा है भाई? कुछ लोगों की डेड बॉडी पड़ी है यहाँ मेरे को लगता है पीछे। एक सेकंड, एक कुछ तो है भाई, पीछे जाके देखते हैं, इस रास्ते में देखते हैं जाके, कुछ तो आवाज़ आ रही है भाई। वेदर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये देखो यहाँ लाशें पड़ी है लोगों की, चढ़ गई भाई, डेड बॉडी पड़ी, इसको मारता हूँ। Don't do it. Stay away from that case. भाई यहाँ से निकलता हूँ मैं, यहाँ गैंग वॉर हुआ है पक्का, मैं नहीं रुकने वाला यहाँ।
गैंग वॉर से कोई मतलब नहीं है मेरा, मैं अभी गाड़ी चलाने आया हूँ। ये देखो यहाँ कोई ट्रक लेकर आया है। मैं ना भाई गैंग वॉर से कोई लेना देना नहीं है मेरा, मैं पुलिस के उसमें नहीं पढ़ना चाहता अभी। जो बड़ा वाला ब्रिज है ना जिससे हम लोग ऊपर से आते, देखो उसके नीचे घूम रहे हैं अभी हम लोग, ब्रिज के नीचे हैं। ओ भाई, यहाँ थोड़ा सा रोड खराब है, यहाँ थोड़ा गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो पुलिस आ गई, मुझे लग ही रहा था। ओके वहाँ पे कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ चलते हैं हम लोग। ये देखो भाई तुम लोग यहाँ देखो, इन लोगों को ठंड नहीं लग रही है, यहाँ लोग आग वाग जला के फुल मस्ती कर रहे हैं भाई। आग भी जला रखी है और छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं इन लोगों ने, इन्हें ठंडी नहीं लग रही। यहाँ मेरी ठंड से हालत खराब हो गई है, हद है भाई। बाकी यार बहुत ही ज्यादा मजा आया स्नो में भाई, अपन लोग गाड़ी वाड़ी चला के फुल मजा आया है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, माइकल भी इंजॉय कर रहा है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि स्नो में ना और भी कुछ गाड़ियाँ टेस्ट की जाए, आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताना। बाकी इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर देना, कमेंट भी कर दो। बाकी मैं आप लोग इसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।